ध्यान दो, ये तुम्हारा सेवंथ क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन। देखो इसमें तुमने चार और ये लास्ट वाला पांच अकाउंट बनाने हैं। टोटल फाइव अकाउंट्स अपने बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले अपने ये देखें कि प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो बैलेंस ब्रोट डाउन। क्वेश्चन में दिया है 12,40,000, राइट। और तुम्हारा उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 13,20,000। अब इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दिया है, उसमें बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये प्लांट का अकाउंट है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना है 6,82,100। और जो टू बैलेंस ब्रोट डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस 6,14,595, सेम बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में टू बैलेंस ब्रोट डाउन 19,00,000 है, और बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 23,20,000। उसके बाद में इसी में अगर अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखे तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन वो आपको दिया है कितना, 8,15,140, राइट। और ये जो क्लोजिंग है टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड वो 9,75,257 है, मैं राइट राइट। अब इसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, तो उसका ओपनिंग कितना है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, पर डे को 20,000 लिखा है, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 28,000। ओके, अब एक के बाद एक देखो इसमें। सबसे पहली बात क्या लिखा है कि हमने प्लांट को बेचा, कितने में प्लांट को बेचा हमने, 60,000 में बेचा, राइट। लेकिन उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी अब तक का डेप्रिसिएशन कितना था उसके ऊपर, कितना था, हाँ। तो देखो पहले उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 3,20,000, यानी कॉस्ट है तुम्हारी 3,20,000, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,23,400, उसको माइनस करो तो ये तुम्हारी बुक वैल्यू आएगी, राइट। अब तुमने बेचा कितने में इसको, 60,000, इसका मतलब ये हुआ कि जो 36,600 है वो तुम्हारा लॉस, ये तुम्हारा लॉस हुआ। अब मैं यहाँ पे इसकी एंट्री करूँ तो सबसे पहले ये जो मशीनरी है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो 223,400 यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 223,400, राइट। देन आफ्टर उसके बाद अपने यहाँ देखिए इसमें जो बाय बैंक लिखेंगे तो बाय बैंक अकाउंट कितना आएगा, तुमने जितने में बेचा वो 60,000 लॉस है, तो उसकी एंट्री यहीं पे करेंगे बाय पीएनएल अकाउंट लॉस 36,600। अब यहाँ पे टोटल इसका देखिए 16,40,000, और यहाँ पे भी आना चाहिए 16,40,000, लेकिन यहाँ कुछ मिसिंग है, जो मिसिंग है वो 4,00,000 रुपये, जो 4,00,000 रुपये है वो तुम्हारा परचेज है, तो यहाँ लिखेंगे अपने बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, परचेज, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो इन दोनों का प्लस करेंगे अगर अपने, तो इन दोनों का प्लस करने से तुम्हारा टोटल आंसर मिल रहा है 837,995, और यहाँ पे भी 837,995, कितना आता है 155,895, पता है। इसको साबित करना है पीएनएल अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का होगा, लेकिन इसको आपको साबित करना है। साबित कैसे करेंगे इसको, देखो आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था ना कितना, 12,40,000, उसके ऊपर 18.10% डेप्रिसिएशन निकालो,
12 लाख 40 12 लाख 40 हजार की हो रही था दादा, राइट। ये तुम्हारा वो डेप्रिसिएशन, लेकिन तुमने इसमें से कितना कितना सेल कर दिया वो देखो, अगर सेल करता हुआ देखेंगे ना तो भी तुमको पता चल जाएगा कितना डेप्रिसिएशन किसके ऊपर। देखो एक सीधा इसके अंदर हिसाब बताओ तुमको, ये जो दोनों का डिफरेंस है ना वो निकालो पहले, ओपनिंग और क्लोजिंग का। सिक्स सेवन फाइव जीरो फाइव नॉर्मली इतना आना चाहिए, लेकिन ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, इसके लिए अपना आंसर गलत आता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी बाइफर्केशन किए बिना सीधा इसी को फाइनल आंसर मानेंगे, ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं इसको है ना आगे दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना नहीं सिखाता, राइट। अब ये देखो 19 लेके और ये 23 लेके 20,000। सिमिलरली इसके अंदर तुमने कोई भी चीज़ बेची नहीं है, बिल्डिंग की कोई चीज़ बेची नहीं गई है, खाली बिल्डिंग के अंदर डिफरेंस निकालना है। और वो डिफरेंस कितना है, 23 लाख 20,000। यहाँ पे अगर 23 लाख 20,000 करूँ पर, देखो बिल्डिंग को कैसे खरीदा है, यहाँ लिखा गया है कि 20,000 का है हमने पेमेंट किया कैश में, और बाकी के लिए मोर्गेज लोन, मोर्गेज लोन कितने किए, 7% मोर्गेज लोन, यानी 4 लाख की तुम्हारी मोर्गेज लोन होगी, राइट। अब आपके सामने ये बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे ये इतना है और यहाँ ये इतना है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, वो तुम्हारा पीएनएल अकाउंट, ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया करंट ईयर का, कितना आया 119117। अब यहाँ लिख देता हूँ 975257 और यहाँ पे भी 975257 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये इसमें से ये माइनस कर दे आंसर आएगा, राइट। अब इसमें क्या लिखा है कि करंट ईयर में टैक्स कितना पे किया, नीचे कुछ लिखा है टैक्सेशन में क्या लिखा है, हाँ ये क्या लिखा है, करंट ईयर प्रोविजन, बराबर ना। अगर लिखा हो ना कि टैक्स पे किया तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन अगर प्रोविजन लिखा हो तो यहाँ लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट 2,78,000। अब 2,78,000 प्लस ये करूँ तो 2,98,000 हुआ, यहाँ पे भी 2,98,000 हुआ, इसमें से 28,000 माइनस करूँ तो 2,70 का डिफरेंस आता है, तो ये क्या आएगा तुम्हारा टू बैंक अकाउंट। हमेशा याद रखो कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में डेबिट वाला जो मिसिंग फिगर है ना वो हमेशा बैंक अकाउंट, और क्रेडिट में अगर मिसिंग हो तो हमेशा पीएनएल। अब ये दोनों को तुमको भूल जाने का, एंट्री इन दोनों की जाएगी। अब इसमें बता रहा हूँ कि कौन सी एंट्री कहाँ आएगी, देखो डायरेक्टली सुनते जाओ, ध्यान देना कौन सी एंट्री नहीं आएगी और कौन सी एंट्री आएगी। सब पुरानी एंट्री निकल गई, ये वाला भी गया बैलेंस, राइट। सिमिलरली ये वाले भी बैलेंसेस गए, उसके बाद में ये तुम्हारा बैलेंस है ना वो भी गया दोनों, और ये वाले दोनों बैलेंस भी जो मैंने क्रॉस की हो गए, राइट। इसके बाद बचा गया ये, राइट। तो इसमें तुम्हारे तीन अलग अलग स्टेटमेंट बन, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग। ये वाला जो है ना वो तुम्हारा किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, बराबर। परचेस किया इसका मतलब माइनस में जाएगा। सेम ये वाला जो है ना वो भी तुम्हारा इन्वेस्टिंग में, क्योंकि ये एसेट है तो इन्वेस्टिंग कर जाएगा, ये इन्वेस्टिंग, लेकिन ये क्या होगा प्लस, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि अगर क्रेडिट में कोई भी एंट्री वो प्लस ही होगी और डेबिट की कोई भी एंट्री हमेशा माइनस, कोई भी स्टेटमेंट में लिखो तुम, राइट। इसके बाद ये वाला देखो, ये पीएनएल लिखा है, जहाँ पीएनएल वो ऑपरेटिंग, और क्या होगा ये भी प्लस, अगर प्रॉफिट होता तो अपने माइनस करते उसको। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो पीएनएल, तो क्या करेंगे इसको, ऑपरेटिंग, और ये भी क्या होगा प्लस होगा। इसके अलावा यहाँ कोई चीज़ बाकी नहीं बचती है, राइट। देखो ये ओपनिंग भी ख़त्म हो गया तुम्हारा, ये जो मशीन का जो है ना, ये दोनों की भी एंट्री अपने को नहीं करती, ये भी ख़त्म हो गया। अब ये बैंक अकाउंट लिखा है, ये क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी असेट हुई, तो असेट है तो किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। अगर इन्वेस्टिंग यहाँ क्या जाएगा, माइनस, राइट। लेकिन ये मोर्गेज लोन है तो इसकी एंट्री कोई जगह नहीं, पर जब मोर्गेज लोन का अकाउंट अपने देखेंगे ना उस टाइम पर इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ कभी नहीं। अब देखो यहाँ लिखा है क्या, पीएनएल, अगेन पीएनएल, पीएनएल यानी ऑपरेटिंग, अगर ऑपरेटिंग है तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट है तो प्लस। ये भी देखो पीएनएल, ये कौन सी जगह, क्रेडिट, तो ऑपरेटिंग, तो ये प्लस। यहाँ देखो ये क्या है, बैंक अकाउंट लिखा है, ये और ये सिर्फ अकेला, खाली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बैंक लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम उसको ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस करते हैं,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद फिर लास्ट में टैक्स पेड फॉर करंट ईयर अपने माइनस करते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी कोई चीज़ बाकी नहीं है जिसके अंदर तुम्हारी खाने की रह गई। अब इसको पहले लिख लो, उसके बाद में ये बाकी का समय ने मैं तुमको नहीं करूँगा अभी, पहले ये एंट्रीज को बराबर से समझ लो, उसके बाद में लाएंगे। आज नहीं करूँगा।